हेलो फ्रेंड्स, मधुप्रिया हियर फ्रॉम नेचर एट होम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैलोडेंड्रॉन और पोथोस में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ है। फ्रेंड्स, दोनों ही फैलोडेंड्रॉन और पोथोस दोनों ही क्लाइंबर है। देख सकते हैं आप, ये भी मैंने मॉस स्टिक पे ग्रो किया हुआ है और ये भी पोथोस जो है ये भी मैंने मॉस स्टिक पे ग्रो किया हुआ है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और इसे पानी में ग्रो कर सकते हैं या इसे मॉस स्टिक पे भी आप ग्रो कर सकते हैं। पोथोस और फैलोडेंड्रॉन दोनों ही टॉप बेस्ट इंडोर प्लांट है। नासा के रिसर्च के अनुसार ये प्लांट इंडोर पॉलिटेंट्स को रिमूव करता है, जो कि कारपेट, फर्नीचर, बिल्डिंग मटेरियल और क्लीनिंग प्रोडक्ट से पैदा होते हैं। यदि आपके घर में पोथोस और फैलोडेंड्रॉन नहीं है तो नर्सरी में जाइए और ज़रूर इसे घर में लाकर लगाइए। आइए इसके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। फैलोडेंड्रॉन की वैरायटीज़ जो है उसके लीव्स के जो है डिफरेंट शेप्स और साइज होते हैं। इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट होती है। ये लो लाइट और वेरिएबल टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, जबकि पोथोस की लीफ जो है थोड़ी क्रिस्प होती है। देख सकते हैं किसकी जो लीव्स है वो थोड़ी क्रिस्प होती है, शाइनी होती है और गोल्ड वाइट कलर के इसमें पैचेस होते हैं। फैलोडेंड्रॉन के कंपेयर में इसे लिटिल मोर लाइट चाहिए, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लाइट चाहिए। मेरे पास अभी 3 वैरायटीज़ के पोथोस हैं। एक ये वाला है और एक ये और एक ये। इसका नाम मार्बल मनी प्लांट है। देखते हैं कितना खूबसूरत इसकी जो पैचेस है, इसमें ग्रीन पे वाइट कलर के पैचेस जो हैं, कितना खूबसूरत है। इसे टैंडल लीव्स जो है वो बहुत खूबसूरत शाइनी होते हैं। और दूसरी वैरायटीज़ जो है ये है, ये नियॉन वैरायटीज़ है, इसको नियॉन पोथोस बोलते हैं। और ये गोल्डन पोथोस है। इसकी लिप्स जो है वो कितनी खूबसूरत, इसमें वाइट कलर के पैचेस, गोल्डन कलर के पैचेस होते हैं। ये गोल्डन पोथोस है, ये वाला नियॉन पोथोस है और ये मार्बल मनी प्लांट इसको बोलते हैं, मार्बल पोथोस को बोलते हैं, क्वीन मार्बल पोथोस। फैलोडेंड्रॉन के लीव्स में जो है वो कवरिंग होती है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसकी एक कवरिंग होती है। जब लीव्स जो है वो टेंडर होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक अदर लीव्स होती है, उसको कैटाफिल्स बोलते हैं। इसको इस ढंग से कवर किया रहता है और जब ये ग्रो हो जाता है तब ये कैटाफिल्स जो है वो सूख कर करके गिर जाता है। जबकि पोथोस में इस तरह की कोई कवरिंग्स नहीं होती है। आप देख सकते हैं इसमें इस तरह की कोई भी कवरिंग्स नहीं है, तो ये डिफरेंस है इसमें। इस तरह की इसमें कोई भी कवरिंग्स नहीं होती है पोथोस में। ये देखिए, इसे फैलोडेंड्रॉन लेमन लाइम है, इसमें भी जो है ये अलग से कैटाफिल्स होते हैं जो बाद में ये ड्राई हो जाते हैं। जब लीव्स बड़ा हो जाते हैं तो ये ड्राई हो जाते हैं। फैलोडेंड्रॉन के रूट्स जो है वो लंबे लंबे नहीं होते। आप देख सकते हैं इसके रूट जो है वो उतने लंबे नहीं होते। ये रूट्स जो है वो इस मॉस स्टिक पे या किसी वॉल पे चिपक जाता है और वाटर एब्जॉर्ब करता है और ये इसमें चिपक करके ग्रो करता रहता है। क्लाइंबिंग है इसलिए इसको एक हेल्प सहारा चाहिए इसको क्लाइंब करने के लिए। और इसके जो रूट्स होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं। आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितने लंबे इसके रूट्स ढंग से ग्रो करते हैं। तो पोथोस के रूट्स जो होते हैं वो थोड़ा लंबे लंबे होते हैं। आइए अब इसके केयर के बारे में जान लें। ये जो पोथोस है उसको थोड़ा लाइट ज़्यादा चाहिए कंपेरेटिवली फैलोडेंड्रॉन के। और ये इंडोर ग्रो करता है, लो लाइट में ग्रो करता है। इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं दीजिए, डायरेक्ट सनलाइट में ये इसका लीव्स जो है वो ख़राब होने लगेगा। आपको हम दिखाते हैं एक
इसको मैंने कुछ दिन बाहर रखा हुआ था। हाँ यहाँ पे है, देखिए इसके लीव्स कैसे खराब हो रहे थे। तो इसको जो है इंडोर लाइट में ही इसकी जो लीव्स है वो खूबसूरत दिखेगी। देखिए इसका जो लीव्स है कितने शाइनी है, फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर है इसका लीव्स। और अगर इसके सॉइल की बात करें तो वेल ड्रेन सॉइल इसमें चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल बनाने के लिए इसमें दो पार्ट सॉइल लीजिए, गार्डन सॉइल, और एक पार्ट रिवर सैंड लीजिए, वन पार्ट कोकोपीट लीजिए और वन पार्ट कंपोस्ट। सॉइल को आप चेक कर लीजिए, अगर ये क्लेई सॉइल है तब इसमें सैंड मिलाने की ज़रूरत है, और अगर क्लेई सॉइल नहीं है उसमें ऑलरेडी सैंड मिला हुआ है तो इसमें सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस सॉइल को इस ढंग से पहले चेक कर लीजिए। क्लेई सॉइल में क्या होता है कि जब वो सूखता है तो बिल्कुल वो हार्ड हो जाता है, और जब पानी डालते हैं तो वो बिल्कुल कीचड़ के जैसा होता है। तो ये क्ले सॉइल का पहचान है, ये बिल्कुल भुरभुरा रहना चाहिए। कोकोपीट जो है वो डालने से क्या होता है कि पानी उसमें एब्जॉर्ब करके रखता है। कोकोपीट और ये कंपोस्ट, ये दोनों ही पानी जो है एब्जॉर्प्शन करने के लिए बहुत अच्छा है। कोकोपीट में सारे न्यूट्रिशंस स्लोली वो प्लांट्स को प्रोवाइड करते रहते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो गोबर की खाद तो सबसे अच्छा है, लेकिन एनपीके भी इसमें बीच बीच में डाल सकते हैं। एनपीके 19:19 रेशियो वाला डाल दीजिए तो अच्छा ये ग्रो करेगा। वाटरिंग की अगर बात करें तो इसमें सुबह शाम, अभी गर्मी का मौसम है तो दो बार पानी दीजिए सुबह और शाम। ओवर वाटरिंग मत कीजिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग से इसका लीव्स का जो टिप है वो ख़राब होने लगेगा। इसको इसका जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो ह्यूमिड एनवायरनमेंट होना चाहिए, इसलिए इसमें बीच बीच में मिस्टिंग करते रहिए। मिस्टिंग करने से ये बिल्कुल फ्रेश दिखेगा और लिप्स पर भी किसी तरह का कोई धूल नहीं जमा होगा, जिससे कि ये खूबसूरत लगेगा देखने में, फ्रेश लगेगा, आपके घर को फ्रेश लुक देगा। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।